सभी में बहुत कुछ है जो मैं समझना चाहूंगा, लेकिन समय की सीमा है इसलिए समझ में नहीं पाता। ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बहुत कसौटी कर रहे हैं, फिर भी आप ही की बातों को इस मन की बात के धागे में गुरो करके फिर से एक बार आपको बांटना चाहता हूँ। आपको याद होगा पिछली बार मैंने प्रेमचंद जी की कहानियों की पुस्तक के बारे में चर्चा की थी और आपने तय किया था कि जो भी वो पढ़े उसके बारे में कुछ बातें नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सबके साथ शेयर करें। मैं देख रहा था कि बड़ी संख्या में लोगों ने अनेक प्रकार की पुस्तकों की जानकारी साझा की है। मुझे अच्छा लगा कि लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इतिहास, संस्कृति, बिजनेस, जीवन चरित्र, ऐसे कई विषयों को लिखी गई किताबों पर और उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे यह भी सवाल भी है कि मैं कई और पुस्तकों के बारे में बात करूँ। ठीक है, मैं जरूर कुछ और पुस्तकों के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक बात मुझे स्वीकारनी होगी कि अब मैं बहुत ज्यादा किताब पढ़ने में समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन एक फायदा जरूर हुआ है कि हम लोग जो मिल करके बैठे हैं तो कई किताबों के विषय में मुझे जानने का जरूर अवसर मिल रहा है। लेकिन जो पिछले एक महीने का अनुभव है उसमें लगता है कि इसको हमें आगे बढ़ाना है। क्यों ना हम नरेंद्र मोदी ऐप पर एक परमानेंट बुक्स कॉर्नर भी बना दें और जब भी हम नई किताब पढ़े उसके बारे में वहां लिखे चर्चा करें और आप हमारे इस बुक्स कॉर्नर के लिए कोई अच्छा सा नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता कि यह बुक्स कॉर्नर पाठकों और लेखकों के लिए एक सक्रिय मंच बन जाए। आप पढ़ते लिखते रहें और मन की बात के सारे साथियों के साथ साझा भी करते रहें। साथियों, ऐसा लगता है कि जल संरक्षण मन की बात में जब मैंने इस बात को स्पर्श किया था, लेकिन शायद आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे कहने से पहले भी जल संरक्षण ये आपके दिल को छूने वाला विषय था, सामान्य मानवीय की पसंदीदा विषय था। और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पानी के विषय ने दिलों हिंदुस्तान के दिलों को झकझोर दिया है। जल संरक्षण को लेकर देश भर में अनेक विध प्रभावी प्रयास चल रहे हैं। लोगों ने पारंपरिक तौर तरीकों के बारे में जानकारियां तो शेयर की है, मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैंपेन शुरू किए हैं, सरकारों को, एनजीओ को युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं, जिससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिला है। ग्रामीणों का यह श्रद्धा अब पूरे गाँव के लिए जीवन दान से कम नहीं है। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जल नीति वाटर पॉलिसी तैयार की है। मैं वहां की सरकार को बधाई देता हूँ। हरियाणा में उन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और किसान का भी कोई नुकसान नहीं होता है। मैं हरियाणा सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के साथ संवाद करके उन्हें परंपरागत खेती से हटकर कम पानी वाली फसलों के लिए प्रेरित किया। अब तो त्योहारों का समय आ गया है, त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं। जल संरक्षण के लिए क्यों न इस मेलों का भी उपयोग करें। मेलों में समाज के हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं। इन मेलों में पानी बचाने का संदेश हम बड़े ही प्रभावी ढंग से दे सकते हैं, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। उत्सवों के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। साथियों, जीवन में कुछ बातें हमें उत्साह से भर देती है और विशेष रूप से बच्चों की उपलब्धियां उनके कारनामे हम सबको नई ऊर्जा देते हैं। और इसलिए आज मुझे कुछ बच्चों के बारे में बात करने का मन करता है और ये बच्चे हैं निधि बाईकोटू, मोनिश जोशी, देवांश रावत, तनुष जैन, हर्ष देवठाकर, अनंत तिवारी, प्रीति नाग, अथर्व देशमुख, अरुण नितेश गांगुली और ऋतिक अलामंदा। मैं इनके बारे में जो बताऊंगा उससे आप भी गर्व और जोश से भर जाएंगे। हम सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी दुनिया डरती है। हर राज्य से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को भारत
अपने खर्च पर श्री हरिकोणा लेकर जाएगी और सितंबर में उन्हें उस पल का साक्ष्य बनने का अवसर मिलेगा जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड कर रहा होगा। हिस्सा लेना होगा, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे, आपको विजयी होना होगा। साथियों, मेरा यह सुझाव आपको जरूर अच्छा लगा। और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी। 5 साल पहले शुरू हुआ सफर आज जन जन की सहभागिता से स्वच्छता के नए नए मानदंड स्थापित कर रहा है। पिछले दिनों माय गॉव पर मैंने बड़ी ही दिलचस्प टिप्पणी पढ़ी। यह कमेंट जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले भाई मोहम्मद असलम का था। उन्होंने लिखा, मन की बात कार्यक्रम सुनना अच्छा लगता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने राज्य जम्मू कश्मीर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम का आयोजन जून महीने में हुआ था, मुझे लगता है, और उसमें लोगों की भागीदारी ये बताती है कि कश्मीर के हमारे भाई बहन गुड गवर्नेंस चाहते हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि विकास की शक्ति बम बंदूक की शक्ति पर हमेशा भारी पड़ती है। ये साफ है कि जो लोग विकास की राह में नफरत फैलाना चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, वो कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। पंच पोलियो अभियान जो कि 1994 में जब 93 में डॉक्टर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने तो 94 में गांधी जयंती के ऊपर उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लिया दिल्ली में, जिसमें के पंच पोलियो अभियान के पूरे दिल्ली से पूरे देश से पोलियो को खत्म करने का अभियान लिया और पहले दिन ही पायलट प्रोजेक्ट में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को पंच पोलियो की दवाई दी। आगे बढ़ूंगा उनका मान बना कर अभिनंदन करेंगे। मैं गुरदीप पुरी जी, अनिल यादव जी, सुमा गुप्ता जी, उनसे भी मेरा आग्रह के वो उनका माला बना कर अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं जो कि समय की कमी के कारण पार्षदा प्रेमचंद गुप्ता जी पीछे बैठे हैं। लोग इसको उत्सव की तरह मनाते हैं। देश में हजारों स्थानों पर, मैं कहूंगी लाखों स्थानों पर भी, तो मेरे ख्याल से बीजेपी नहीं होगी। इसी प्रकार से समाज के लोग, खाली बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, जो गांव गांव में पंचायत के ऊपर अपना रेडियो लेकर टेलीविजन लेकर उसके सामने 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग इकट्ठा होते हैं और बड़े हृदय और मन से प्रेम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मन से निकले हुए उनका सुनते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। अशोक गोयल ने, विजय सेठी जी ने इसके लिए विशेष प्रयास किया है, हमारे जिले और मंडल के लोगों ने उसके अंदर विशेष सहयोग किया है और इस बात की भी मुझे खुशी है कि आज हमारा जो एक दूसरा उत्सव चल रहा है देश में, सदस्यता का अभियान, इस अभियान को करते करते हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। आज यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने हाथों मुझे एक नौजवान बच्ची को, एक स्कूटर चलाने वाले हमारे साथी को, एक चौकीदार को,
एक वकील को, एक डॉक्टर को, समाज जीवन के हर क्षेत्र के कुछ कुछ लोगों को यहाँ पर अपने हाथों से सदस्य बनाने का मौका मिला है। मैं अपने सभी साथियों की ओर से जो है सदस्य आज बने हैं और जो निरंतर बन रहे हैं हमारे इस जिले के अंदर, उन सबका भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत करता हूँ और उनको मैं केवल एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको राजनीति के क्षेत्र में जुड़ने का मौका मिला है तो आपको कम से कम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के बाद जीवन के अंदर कोई अफसोस नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। यही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के माध्यम से आपको अपना 100% राष्ट्रीय धर्म और 100% समाज धर्म पालन करने का भी मौका मिलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें मन की बात में बहुत महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। अगले 5 साल के लिए ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने एक बात तो मन में ठान ली है कि जो सालों से इस देश के अंदर जल से जुड़ी हुई समस्याएं थी उनका उनको जड़ से समाधान करना है, उनको जड़ से समस्याओं को समाप्त करना है। इसलिए वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल के संरक्षण के लिए उन्होंने भारत के अंदर एक जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया है। लगातार हर फोरम पर वो इसकी चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि हमारे 700 ग्रीन गुड डीड्स के अंदर बहुत सारे ग्रीन गुड डीड्स ऐसे हैं जो सीधे सीधे हमें अपने जल की इज्जत करने का, जल का संरक्षण करने का, जल का कंजर्वेशन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज लगातार जब प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में अपना मन सारे देश के सामने बराबर प्रस्तुत किया है और इस 5 साल में वो जल को संरक्षण भी करना चाहते हैं, एक बूंद पानी वेस्ट भी ना हो ये भी चाहते हैं, एक एक बूंद पानी का सही जगह इस्तेमाल हो वो भी चाहते हैं और हर परिवार के अंदर हम अपनी आदतों को इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, पीते हुए खाना बनाते समय या अपनी गाड़ी को धोते समय या अपने बाग के अंदर पानी का इस्तेमाल करते समय कहीं पर भी हम किसी भी रूप में पानी को वेस्ट ना करें और कम से कम वर्षा के दौरान किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में कोई बड़ी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये साधारण छोटे छोटे तरीकों से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को आप सब अपने जीवन के अंदर उतारेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी लगातार पिछली बार भी उन्होंने कहा और इस बार भी मन की बात में उन्होंने हमें स्मरण दिलाया कि अपने जीवन में समय का किस प्रकार से हम ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका समय का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने हमें निरंतर अच्छी अच्छी प्रेरणादायक और जो नॉलेज से परिपूर्ण पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। आज के युग में जिस प्रकार से इनोवेशन का कोफिशिएंट सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, इस तरह से उन्होंने वेस्ट टू वेल्थ की बात की है, उसी तरह से जो नॉलेज है वो भी एक प्रकार से वेल्थ होगी। और नॉलेज जो है अगर वेल्थ है तो जो दूसरे रोटो वाली वेल्थ के लिए हम दिन पर परेशान रहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये वाली वेल्थ है। और आजकल आइडिया की इकोनॉमी है, इनोवेशन का युग है, इसलिए उन्होंने देखिए बच्चों को भी प्रेरित किया है कि वो किस प्रकार से 1 अगस्त को वो क्विज कॉम्पिटिशन में भाग ले। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात की है, उन्होंने चंद्रयान के अंदर जो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत महान काम किया है उसकी भी बात की है। और पता नहीं कि आपने ये बात नोटिस की कि नहीं कि उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात की कि एक टेक्निकल स्नैग आने के बाद उस टेक्निकल स्नैग को 10 दिन के अंदर ठीक करना, लेकिन ठीक करके दूसरे टाइम पर भेजने के बाद भी उसकी जो मून के ऊपर लैंडिंग की टाइम है जो कि सितंबर के अंदर है वो टाइम एग्जैक्टली वही है। अब आप सोचिए कि ये कितनी इसमें महीन साइंस है, कितनी इसमें बारीक साइंस है, लेकिन उसको भी हमारे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से जो है करके दिखाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। इससे ज्यादा आपको जो है हमारे
वाले वैज्ञानिकों की काबिलियत का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने उल्लेख किया है कि अमरनाथ के यात्रियों के बारे में, उन्होंने उल्लेख किया है चार धाम के यात्रियों के बारे में, वहाँ पर हुई बेहतरीन व्यवस्थाओं के बारे में। उन्होंने हम सबके लिए भी कामना की है कि हम लोगों को भी एक दिन जो है अमरनाथ की यात्रा और चार धाम की यात्रा करने का मौका मिला, और कश्मीर में किस प्रकार से जो है वहाँ की जो प्रशासन है, आप जानते हैं कि आज वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन भारत सरकार के माध्यम से ही, प्रेसिडेंट रूल के माध्यम से ही वहाँ लोगों को सेवाएं दी जा रही है। और पहली बार वहाँ के लोगों ने कैसे महसूस किया कि जो सब प्रकार की सेवाएं उनके घर तक, उनकी पंचायत तक सारे बड़े से बड़े अधिकारी के माध्यम से उनको पहुँचा दिया गया है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। मैं समझता हूँ कि जो योगेश सैनी जी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी हृदय की गहराइयों से योगेश सैनी जी को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम सराहना करें वो मैं समझता हूँ कम है। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, भले योगेश सैनी जी यहाँ नहीं है, लेकिन हमारी भावना उन तक पहुँचनी चाहिए। हम पूरी ताली बजा कर जोर शोर से योगेश सैनी जी, जो कि प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के आंदोलन में भी अपना इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर, दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स करके एक जो चीज़ आंखों को चुभती थी उसको कितना खूबसूरत बनाने का उन्होंने प्रयास किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही तारीफ काबिल है, और उन्होंने हम सबको बधाई दी है इस सावन के महीने की। विशेष रूप से मैं अपनी बहनों को इसके लिए विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, हरियाली और ये सब तो है ही है। मैं समझता हूँ कि बरसात का मौसम है, हरियाली है, सावन का महीना है, तो हम हमारा जो ग्रीन रूम डीड है, एक पेड़ लगाने का, एक छोटा सैपलिंग लगाने का, इसको अपने अपने इलाके में बड़े पैमाने पर करें। दोबारा ये बरसात का मौसम नहीं आएगा, दोबारा सावन नहीं आएगा, दोबारा आपको इस तरह की ग्रीन रूम डीड्स को अपनाने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दें। और जो एक बहुत बड़ी बात कही आपने, ध्यान दिया कि नहीं दिया, 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है हमारा, इस बार तो बड़ी विशेष बात है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही हमारा जो है रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। तो बहनों को भी बहुत विशेष रूप से बधाई, और भाइयों को बधाई है कि भाई आपको जो है बहनों का और अधिक जो है एक ऐसे पवित्र दिन पर प्यार इस बार मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस को रूटीन एक कार्यक्रम की तरह ना माने कि हमने सुबह उठकर अपना रेडियो टेलीविजन लगाया और प्रधानमंत्री के संदेश को सुन लिया, लेकिन हम कैसे स्वतंत्रता दिवस को एक प्रकार से उत्सव के रूप में मना सकते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने स्कूल के अंदर, अपने व्यवसाय के स्थान पर, अपने जहाँ जहाँ भी हम इस प्रकार से भी जुड़े हैं, हम बच्चे हैं तो, हम नौजवान हैं तो, हम पुरुष हैं तो, हम महिला हैं तो, हम बच्ची हैं तो, हम बुजुर्ग हैं तो, और किसी भी स्थान पर कैसे हम हमारे स्वतंत्रता दिवस पर एक नया संकल्प ले सकते हैं, नया जो है उत्सव बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, जो स्वतंत्रता हमको मिली है ये बहुत लोगों के बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण मिली है। भगत सिंह जैसे पता नहीं कितने सारे महान लोग, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी शहीद हुए, कितने सारे हमारे जो है लोग कोई काला पानी के अंदर गए, वीर सावरकर जैसे, और पता नहीं कितने सारे लोगों ने वर्षों तक कितनी जो है तकलीफें सही स्वतंत्रता संग्राम में, लाला लाजपत राय जैसे कितने लोगों ने लाठियां खाई साइमन कमीशन से। तो ये स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है, बहुत बड़े त्याग तपस्या के बाद मिली है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, आपको अगर आज कहा जाए कि अपने देश के लिए कुछ करना है तो आपको दोबारा से कोई भगत सिंह की तरह बंदे को लटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको देश के लिए कुछ करने के लिए अपने प्राणों की बलि न्योछावर करनी है। लेकिन छोटे 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 अगर अनुव्रत अपने हम जीवन में लें कि हम अगर ये करेंगे तो इससे देश का थोड़ा सा भला होगा, इससे देश के अंदर समाज का थोड़ा सा भला होगा, एक निरक्षर व्यक्ति को जो है एक साक्षर बनाने में हमारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक भूखा बच्चा जो है उसको अगर हमने उसको जो है पोषण करने की भी जिम्मेदारी ले ली, एक बच्चे को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी ले ली,
ये दिन किसी गरीब के इलाज के लिए उसकी सहायता करने की भी जिम्मेदारी ले ली। अब तो इतनी सारी योजनाएं हो गई है कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने ही इतनी व्यवस्था कर दी है, लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों को बीमार होने पर उनकी योजनाओं की जानकारी नहीं है। इसलिए हमें ये छोटे 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 व्रत लेकर कैसे हम देश को आगे बढ़ाने में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि सब लोग इस स्वतंत्रता के अवसर पर इस इंडिपेंडेंस डे को उत्सव के रूप में मनाएं। उत्सव का मतलब है कि हम सब मिलकर संकल्प करें कि जो अपने लिए जी रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा देश के लिए कैसे जिएंगे। और यही शायद स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। तो अगर एक भी देश में विपन्न की किसी भी प्रकार से आप सहायता करेंगे तो देश और ज़्यादा सुखशाली होगा और तरह से और तरीके से समृद्ध होगा। और एक एक जो देश की समस्या है उसका धीरे 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 करके हम समाधान करते जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी सपना है और वो उस सपने के माध्यम से एक नया भारत बनाना चाहते हैं, 2022 तक बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े पैरामीटर्स को समय से पहले अचीव करना चाहते हैं। दुनिया ने संकल्प लिया है कि 2030 में टीबी को समाप्त करना है, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2025 तक हमको इसको समाप्त करना है। और बहुत सारी बीमारियों को जड़ से समाप्त करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है, वो लेप्रोसी हो, वो मीजल्स की बीमारी हो, वो काला आजार की बीमारी हो, ऐसे मलेरिया की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2022 तक जो है हर क्षेत्र के अंदर जो है हमारे ऐसी असाधारण उपलब्धियां हों जिसके कारण हम ये कह सकें कि हमने एक नया भारत देश के 135 करोड़ लोगों को डिलीवर किया है। तो आज मन की बात का सबसे बड़ा संदेश यही होगा कि हम अपनी स्वतंत्रता के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए महान कामों को और उसकी जो गरिमा और उसकी जो प्रतिष्ठा है और उसकी जो सच्चाई और सात्विकता है उसको कैसे अक्षुण रख सकते हैं, उसमें हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे चांदनी चौक जिला के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में 15 अगस्त के लिए ऐसे बहुत सारे नए कार्यक्रमों की रचना बनाएंगे जो उत्सव के रूप में शुरू होंगे। और अगले साल जब 15 अगस्त आएगा तो आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन होगा कि एक साल में हमने हमारे समाज में इतने लोगों के जीवन के ऊपर इतना गुणात्मक परिवर्तन किया। तो शायद यही आज के इस मन की बात की सही मायने में सफलता होगी, सार्थकता होगी। मैं आज यहाँ मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे हमारे मीडिया के मित्र भी आए हैं, इनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कोई भी समाज में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी इतने सारे कार्यक्रम सफल हुए उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मीडिया के लोगों का है जिन्होंने उन योजनाओं को गहराई और सच्चाई को देश की जनता तक पहुंचाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज मन की बात के संदेश को भी हमारे मीडिया के लोगों के माध्यम से भी देश की जनता को पहुँचाने में इनका सहयोग मिलेगा। मैं पुनः आप सबको जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में यहाँ पर प्रयास किया, विशेषकर अशोक गोयल जी को, उनके सेठी जी को, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद।